एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, संडे की सुबह हो गई है और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ गुड गर्ल की तरह। और आज का दिन देखते हैं अभी कैसे जाने वाला है। सुबह तो हो गई है बट आगे का दिन कैसे जाएगा देखते हैं। हम कहीं बाहर जाएंगे कि नहीं या फिर आज घर पे ही इंजॉय करने वाले हैं वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। आज का दिन हमें भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। सो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, आज संडे मॉर्निंग है। क्या कर रहे हो? क्या अभी हमारी जिंदगी तो भाई खाना बनाने में ही निकलने वाली है। ये क्या, तुम लोग का अच्छा है, तुम लोग को संडे है तो आराम है, छुट्टी है। हम लोग को देखो, आपको कौन देगा आराम? देखिए आटा गूंद रहे तुम्हारे पेट के लिए। हमारे पेट के लिए तो खाना नहीं खाएगी तुम लोग? सुबह उठ के ठूसा ना नाश्ता? क्या ठूसा है? पोहा। बोले क्या कि नहीं सुबह सुबह मम्मी आज छुट्टी है, आज पेट को भी आराम देते हैं हम लोग, ऐसा बोले तुम लोग? नहीं ना, उठते ही चालू हो जाते हैं। उठते के पहले ही मैंने तैयार रखा था ना तुम लोग के लिए नाश्ता बना के, चाय पोहा, कि बच्चे लोग उठेंगे तो भूख लगेगी। अभी क्या खाने में बना रहे? वही तो मैं बोल रही थी, कैसे बोले नहीं अभी तक। अभी बना रही हूँ, फिश लेके आई हूँ, रोटी सालन बनाऊंगी फिश का और फ्राई फिश और चावल बन रहा है। फिर तुम लोग ठूसने के लिए तैयार हो जाओ, तुम लोग का वही काम है आज का, पढ़ाई नहीं है। काम पे नहीं जाने का। एक तो पढ़ाई वाली वो भी आराम करेगी, जो काम पे जाती है वो भी आराम करेगी। पापा है वो बेचारे काम पे, उनका अलग ही है सिस्टम, वो बेचारे उनका खुद का है, इसके लिए उनको भी छुट्टी है। और मेरा खुद का बिजनेस है घर में खाना बनाने का, लेकिन मुझे पगार नहीं मिलता। पापा को पगार तो मिलता है, मुझे कौन पगार भी नहीं देता है काम करने का। बोलना पड़ेगा तुम लोग को भाई, दया करो एक दो रुपया तो दे दो। एक दो रुपये में क्या होने वाला। आज का स्पेशल खाना है फिश और ये कालवन फिश का कालवन। टेस्टी खाना हमारे घर पे आपने ज्यादातर देखा ही होगा। एक तो खाने में हम लोग दिखाते वो फिश दिखाते, चिकन या फिर पनीर की सब्जी। आधा भी खाना दिखा सकते हैं, इसमें क्या है, भी खाते हम लोग। ये सिर्फ संडे का मेन्यू रहता है और पनीर रहेगा तो वो ट्यूसडे का मेन्यू, बाकी बीच में हम लोग नॉर्मल खाना भी खाते है। अभी वेट कर रहे कभी खाना बनेगा और कभी हम खाएंगे। 5 मिनट में हो जाएगा। और वही सुबह में पूछ रही थी, क्या वही पूछ रही थी कि तुम लोग को तो संडे में छुट्टी मिलती है बराबर ना? मेरा तो भाई मम्मी बोल रही थी कि हम लोग को पेमेंट मिलता है काम करने का, पर मम्मी को नहीं मिलता, तो मम्मी को भी मिलना चाहिए ना। कौन देगा मुझे पेमेंट? संडे को काम करते है उसका देगा पेमेंट, कौन देगा? तुम लोग के तो बॉस है, मेरा बॉस तो कोई नहीं है। बोलना पड़ेगा अभी पापा को। माँ को मिलता है ना, मैं बताती हूँ ना क्या मिलता है। माँ को प्यार मिलता है और वही उसी में खुश है हम लोग। हम लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो इतना है, छोटे से हम लोग को बड़े किए मम्मी पापा, प्यार सिर्फ प्यार। और गाइस गर्मी शुरू हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए। बहुत गर्म हो रहा है, घर में इतना गर्म हो रहा है, बाहर पता नहीं क्या हालत होगी लोगों की जो जो काम कर रहे हैं, डिलीवरीज ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। तो जो अगर आपने कुछ ऑर्डर किया होगा तो घर में कोई आएगा तो उनको पानी जरूर देना, क्योंकि ह्यूमैनिटी चाहिए हमारे अंदर। तो खाना बन रहा है अभी, चलो बाद में मिलते हैं। रसगुल्ला हुआ है ना? रसगुल्ला ऑर्डर करेगा, कितना जाएगा पैसा तेरा? ए बेटा रसगुल्ला
मामा बोल रहे ऑर्डर करो रसगुल्ला। रसगुल्ला कितने तक आ रहा है देखो। 186 मांगो। तुला कसं कमी पडतं रे? अरे बांध डिलिवरी चार्ज घेते डिलिवरी चार्जेस काय नाही फ्री मैं कर रहा हूँ आपल्याला लोक तू किती से मारतो अरे इसने कितीला मागवले 240 काहीतरी घेतलेले एवढे 240 आणि त्याच्यात पण हिनी बाईनी जास्त दिलेले एक्स्ट्राला किती अजून एक्स्ट्रा कुछ भी बोलते रहता है ना ये लड़के को सब कुछ सस्ता क्यों मिलता है और ये लड़की को सब महंगा मिलता है और ये लड़की तो जान बुझ के एक्स्ट्रा देती है लोगों को एक का डबल चलो काम कर लिहून ठेव सगळं तू एकत्र दिलं तर दोन वर्ष बरोबर एकत्र दे काय काय तुला आठवत काय लहानपणीच्या कानातल्या सोडून अगर माँ बाप लेने लगे ना बच्चों से तो फिर बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा क्या लेने जाएंगे खाओ है क्या लेने जाएंगे तो हम लोग लेते ही नहीं ना कौन लेने वाला है वो तुम लोग बोल रहे 700 रुपए देऊन टाका पण ते लोग छोड़े मम्मी पापा ने जिंदा के उतना कोई कर नहीं सकते हम लोग रिटर्न दे नहीं सकते हाँ ती करायचंच आहे ना काय करेल ती ये दादा की ये दादा वाला भाई है हमारा मैं बाहर से आमल के इसको बोले जरा शादी करने कमेंट में लिखो हाँ आप लोग कमेंट करो मेरे भाई के लिए कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए और कोई तो लड़की होगी लड़की भी होगी तो भेजो मेरे भाई के लिए फोटो विटो ये मेरा भाई हम लोग को नाचना है इसके शादी में तो रसगुल्ले आ गए हैं मामा ने ऑर्डर किए हुए टेस्टी टेस्टी मैं ऑर्डर के लिए मामू ने पैसे दिले ये नको नको ते नको काय ने ये मेरे प्यारे भाई ने मेरे लिए आज लेके आया क्योंकि मुझे ही पसंद है और ओपन कर और उस दिन अंकिता को उल्लू बनाया वो भी इसके लिए बोला रसगुल्ला देखो खाओ फिर समझ में आएगा ये है टेस्टी टेस्टी तो गाइस मम्मी को कम शरबत बना रहे वो दिखा रहे कैसे बनाते हैं इसमें डालना है सब्जा पहले पानी डाला फिर सब्जा डाला शक्कर आई है इसमें शुगर गर्मी में पीना ये बहुत अच्छा है कोकम शरबत ठंडा रहता है एकदम दो चम्मच कोकम शरबत बॉडी के लिए एकदम ठंडा रहता है कोकम शरबत जो बाहर घूमते हैं जिनका काम है वो ऐसे पी सकते घर से बना के लेके जाने का काला नमक इतना ही थोड़ा सा कम थोड़ा सा यूज करना है काला नमक मिक्स करो और ऊपर से फिर इसको ये रेडी है कोकम शरबत बट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है वो आप इतना भी कर सकते हैं और ये है वाटर मिलन जो मम्मी डालती है कोकम शरबत के अंदर टेस्टी लगता है बहुत मम्मी हमारे एक्सपेरिमेंट करती रहती है कुछ ना कुछ तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो अच्छा हुआ है गाइस हम लोग निकल गए बाहर जाने के लिए अभी और ये मुंबई का ट्रैफिक बहुत परेशान कर रहा है बहुत ट्रैफिक लग गया है बाहर
अभी पहुंचेंगे हमारे डेस्टिनेशन पे। तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम बाहर जा रहे, पर हम बाहर गए और वहाँ पे जाके भूल गए कि वीडियो निकालना है हमें। पता नहीं हमारा ऐसा क्यों होता है, खाने के टाइम पे और कभी कभी बाहर जाते तो भूल भी जाते। तो गाइस आपने इतने तक देखा होगा ब्लॉग, तो आपको कैसे लगा वो बताना, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। बाय बाय।